हाँ, मैं सबसे पहले ढेर सारी विशेष करना चाहूँगी कीर्ति को कि वो बहुत आगे बढ़े और अपने जो भी वो मुकाम पाना चाहे वो उसको मिले और ढेर सारी खुशियाँ मिले इस बर्थडे पे। देखो हमेशा से कहते हैं और ये बात एकदम सच्ची है क्योंकि जैसे कि हम लोग ग्राफ देखते हैं खेसारी जी का तो पहले और अभी में बहुत अंतर है और आज वो सुपरस्टार हैं और नो डाउट उनको अपनी अपनी लाइफ की सब खुशियाँ मिली है। तो बच्चों का भी एक लक होता है, कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर बेटी पैदा होती तो लक्ष्मी घर आती है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं खेसारी जी के यहाँ लक्ष्मी की बारिश है, वर्षा है और लक्ष्मी लक्ष्मी है जहाँ आप देख रहे हैं। तो नो डाउट कीर्ति बहुत लकी है खेसारी जी के लिए और मैं यही चाहूँगी बाप के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उनकी बेटी लक्ष्मी के रूप में घर पे आती है और हमेशा उनके लिए प्लस प्लस चीज़ें हो रही है जो हम लोग देखते आ रहे हैं। नहीं, खेसारी जी डाउन टू अर्थ पहले भी थे और वो अभी भी सेम वैसे ही हैं। जहाँ तक बात है, हाँ, उनमें ये है कि बॉडी में बहुत चेंजेस आए हैं, एकदम अभी एकदम डूड हो गए हैं। वो मतलब बहुत मेहनती इंसान है। हमने खेसारी जी को जब स्टार्टिंग में देखा था, जब नए नए आए थे, तब भी उनमें से एक चाह थी कि और सीखूँ और आज वो सुपरस्टार बन गए, तब भी उनमें ये इच्छा है कि नहीं मैं और अच्छा एक टेक और कर देता हूँ। एकदम लेजीनेस नहीं कि सुपरस्टार का जो टेंड्रम होता है वो उनमें बिल्कुल भी नहीं है। मैंने देखा है कि अभी भी वो वैसे ही हैं, सेम डाउन टू अर्थ हार्ड वर्किंग, इसीलिए वो आज स्टार है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी चीज़ ये की है मैं भी उस पिक्चर का एक हिस्सा हूँ, पार्ट हूँ। मैंने भी उसमें स्पेशल सॉन्ग किया है जिसमें खेसारी जी भी मेरे साथ में है और बहुत मस्ती वाला सॉन्ग है। तो जहाँ तक बात है बलम जी आई लव यू पिक्चर की, तो पिक्चर बहुत प्यारी है, कहानी बहुत अच्छी है। जहाँ तक देखते हैं कबड्डी पूरा एकदम उसमें कुश्ती वाला दिखाया गया है, कुश्ती है उसमें और बेसिकली कहानी डिफरेंट है, कॉमेडी है फुल। गाने सारे पिक्चर के बहुत अच्छे हैं और मैं चाहूँगी कि जितने भी हमारे भोजपुरी दर्शक हैं वो बलम जी आई लव यू पिक्चर को ज़रूर देखें क्योंकि हम सभी उसका एक हिस्सा हैं, पार्ट है। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दें, प्यार दें। हाँ, सुल्तान जैसी पिक्चरों की। हाँ, देखिए ऑब्वियसली बिल्कुल होना चाहिए और जहाँ तक मेरी ओपिनियन है कि हमारे पास कोई भी ऐसा रोल आएगा तो हम लोग पक्का करेंगे जिसमें चैलेंजिंग रोल हो, एक्शन पिक्चर भी आएगी कुछ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी चाहूँगी हीरोइंस के पास भी अच्छे ऑफर्स आएँ और कुछ करने के लिए ऐसा हो कि उनके ऊपर भी काफ़ी सारी कहानियाँ बनी हैं जो हीरोइन ओरिएंटेड होती है, तो ऑफकोर्स आना चाहिए और हम लोग ज़रूर काम करेंगे।